सारे गामा पा लिटिल चैम 17 दिसंबर के एपिसोड के दौरान में दोस्तों किन्हें मिला है सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर, किनका परफॉर्मेंस था चार्टबस्टर, किनके परफॉर्मेंस को मिला है सबसे कम लोएस्ट स्कोर, ये सारा कुछ हम जानेंगे दोस्तों अपने इस वीडियो में जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपको बता दूं सारे गामा पा लिटिल चैम का सैटरडे स्पेशल जो था दोस्तों वो ब्लॉकबस्टर सर्कस स्पेशल मनाया गया, जिसमें कि रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और वरुण शर्मा स्पेशल मेहमान बनकर आए थे और उनकी मौजूदगी में हमें कुल 6 परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं दोस्तों। और इन सभी 6 परफॉर्मेंस में से सबों ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाए। लेकिन स्कोरिंग की जहां तक बात की जाए तो पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एज इट इज अतानु मिश्रा और आरोही सोनी की जोड़ी आई है, जिन्होंने कि सिम्बा का खूबसूरत सा गाना परफॉर्म किया था और इनके इस परफॉर्मेंस पर 100% की स्कोरिंग मिली थी दोस्तों और इनके परफॉर्मेंस को चार्टबस्टर परफॉर्मेंस बताया गया। दूसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जैसे लामा आती हैं दोस्तों, जिन्होंने कि 2 खूबसूरत से और जबरदस्त रॉक स्टार वाले परफॉर्मेंस करके दिखाए और इनके परफॉर्मेंस को मिला है 100% की स्कोरिंग और इनके परफॉर्मेंस को भी बताया गया चार्टबस्टर परफॉर्मेंस। तीसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हर्ष सिकंदर आए हैं दोस्तों और इन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा परफॉर्मेंस किया था और इनके इस परफॉर्मेंस पर 100% की स्कोरिंग मिली है और इनके परफॉर्मेंस को भी चार्टबस्टर परफॉर्मेंस बताया गया। चौथा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अथर्व बख्शी और देविका शर्मा की जोड़ी आती है दोस्तों और इन्होंने भी बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा परफॉर्मेंस किया और 100% की स्कोरिंग पाई है, चार्टबस्टर परफॉर्मेंस इनका भी बताया गया। पांचवा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ज्ञानेश्वरी गड़े आती हैं दोस्तों और इन्होंने भी बेहतरीन क्लासिकल परफॉर्मेंस करके दिखाए, 100% की स्कोरिंग पाई और चार्टबस्टर इनका परफॉर्मेंस बताया गया। छठा और आखिरी परफॉर्मेंस रफा यास्मीन का था दोस्तों, जिन्होंने कि अपनी बेहतरीन गायकी से सबों को दीवाना बनाया, लेकिन स्कोरिंग की जहां तक बात की जाए वह सिर्फ 95 की स्कोरिंग इन्हें मिल पाई है। तो इस तरीके से सैटरडे स्पेशल के दौरान में 6 परफॉर्मेंस हुए हैं और उनमें से 5 परफॉर्मेंस चार्टबस्टर परफॉर्मेंस रहे, सिर्फ रफा यास्मीन को 95% की स्कोरिंग मिली थी। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इन सभी 6 परफॉर्मेंस में से किनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा और किसे आपने वोट किया है वह भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सारे गामा पा लिटिल चैम के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।